Hello guys, so in this video we are going to talk about filariasis, and once again I would say that for NEET, for solving MCQs, this video is going to help you a lot. So do watch the video till the end. यार इस डिजीज का पैथोजन क्या है? वेल, इट्स वुशरेरिया बैंक्रोफ्टी या वुशरेरिया मलाई, मतलब ये दो डिफरेंट स्पीशीज है। इस फिलेरियल वर्म को कैरी कौन करता है, मतलब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, एक हेल्दी इंसान में वुशरेरिया कैसे अचानक से आ जाएगा? वेल, ये होता है एक मॉस्क्यूटो से, एक फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। ये नाम याद रखना, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इज द वेक्टर फॉर दिस डिजीज, बिकॉज ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ चुका है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। सो ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये वेक्टर जिसको कैरी करता है वुशरेरिया बैंक्रोफ्टी, ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, मतलब ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। ऑब्वियसली एक मॉस्क्यूटो है एंड दूसरा वाला मैन है। पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि एस्कारिस इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट और यहाँ पे वुशरेरिया इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। अब चलो इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, एकदम एक्यूरेटली इसके बारे में बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस डिजीज के लिए इंक्यूबेशन पीरियड 1 साल से भी ज्यादा हो सकता है, बट अगर कोई बुक में अगर तुमने देख लिया कि 10 से 15 दिन है, इट इज लाइक द एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड जो 10 से 15 दिन तक लास्ट करता है। एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कितना देर वुशरेरिया फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के अंदर रहता है, वो 10 से 15 दिन होता है। ह्यूमन में काफी देर ज्यादा, मतलब अराउंड 1 साल तक देखा जा सकता है। वुशरेरिया का पूरा लाइफ साइकिल हमारे सिलेबस में नहीं है, सो एक बेसिक सा समझाने वाला हूं ताकि बस समझ आ जाए और कुछ नहीं। सो पहले क्या होता है, एक फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो आके एक हेल्दी इंसान को बाइट करता है एंड उसमें जो लार्वा फॉर्म रिलीज कर दिया जाता है वो लिम्फ नोड तक पहुंचता है। लिम्फ नोड में पहुंचने के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है एंड फिर फर्टिलाइज करता है। बाकी का जो भी डेवलपमेंट है ये एक मस्कीटो में होता है, मीन्स अ मस्कीटो टेक्स अवे दैट, एंड बाकी पूरा डेवलपमेंट उसमें होता है, लगभग मलेरिया जैसा ही है। एंड पूरा डेवलपमेंट हो जाने के बाद वो मस्कीटो वापस एक हेल्दी इंसान को जब बाइट करेगा उसमें ये डिजीज पाया जाएगा। सो ये लगभग मस्कीटो जैसा ही होता है, बट ये जो लार्वा फॉर्म जो लिम्फ नोड में जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करता है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड बल्ज आउट कर जाता है। अब ये लिम्फ नोड सपोज हमारे लिम्ब्स में है, अगर ये हमारे पैर में है तो फिर क्या होगा, लिम्फ बल्ज करेगा तो पूरा पैर बल्ज जैसा दिखेगा। तो ये एक सिम्टम है इस डिजीज का कि पैर पूरा बल्ज आउट हो जाता है अगर वो लिम्फ नोड पैर में होता है। तो अगर पैर बल्ज आउट हो जाए तो पैर फूला फूला सा लगता है, एंड इसको हाथी पाव कहते हैं। इस डिजीज को इसीलिए हाथी पाव भी कहते हैं क्योंकि पाव हाथी की तरह दिखता है। एंड इनफैक्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंटियासिस। So lastly, the symptoms of this disease, एक चीज जो हर डिजीज में कॉमन है that is fever. Next is inflammation of the lymphatics. Obviously यार, अब अगर larva form lymph node में जाएगा and वहीं पे multiply करेगा तो inflammation of the lymphatics होगा ही। Largely ये lymph में ही affect करता है, सारे symptoms इससे ही related है। Next वाला है lymph edema. Edema मतलब होता है swelling, body tissues के अंदर जब body fluids बढ़ जाते हैं, इसी condition में edema होता है। यहाँ पे lymph edema होता है, ये लिम्स में हो सकता है, अभी मैंने लेग्स के बारे में कहा। इनफैक्ट ये स्क्रॉटम में भी हो सकता है एंड वल्वा में भी हो सकता है, जिसकी वजह से एक इंसान को वो इनफर्टाइल बना देगा। लेट मी टेल यू, स्क्रॉटम में जब फ्लूइड्स बढ़ जाते हैं एंड टेस्टिस का साइज सेम रहता है, बट उसमें लाइक बल्जिंग दिखाया जाता है क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स जो फ्लूइड्स है उसमें वो बढ़ गए हैं। इस कंडीशन को हाइड्रोसील कहते हैं, एंड ये हाइड्रोसील वाला कंडीशन इस डिजीज के दौरान पाया गया है। और एक सिम्टम जो मैं बताने वाला हूं दैट इज काइल्यूरिया, दैट मीन्स यूरिन में लिम्फ का पाया जाना। सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड मैंने बाकी डिजीजेस पे भी वीडियो बनाया, दैट्स निमोनिया, टाइफॉइड एंड एस्कैरियासिस। सो डू कंसिडर चेकिंग देम आउट, एंड दैट्स ऑल। अभी तक देख चुके हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।